सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का खुला उल्लंघन कर रहा लेबर कोर्ट कानपुर, क्या कह रहा है आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में 17 में ये ऑर्डर किया था कि ये मैटर जो है मजीठिया के मामले को लेकर के लेबर कोर्ट में जाएं कर्मचारी और वहाँ 6 महीने के अंदर डेट ऑफ द रेफरेंस कोर्ट को डिसाइड कर देना है कि कितना मिलना चाहिए कितना नहीं मिलना चाहिए। लेकिन 6 महीने में डिसाइड होने में शासन ने भी बहुत विलंब किया, 1-1 साल 1.5 साल विलंब कर दिया शासन लेबर कोर्ट को भेजने में, रेफरेंस करने में। और इसके बाद स्थिति ये हो गई कि जजों का ही नियुक्ति ना होना, जजों के रिटायर होने के बाद उसमें भी सरकार की हिला हवाली होना, तो ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई। एक बात तो उसकी वजह से जो 6 महीने में डिसाइड हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। दूसरी बात ये रही कि कर्मचारी भी खुल करके मैदान में नहीं आया, उसने मालिकों से खिलाफ अपने हक को लेने के लिए कोई भी कमर नहीं कसी। ये बिना ये गुपचुप तरीके से जो लड़ाई चल रही थी वो लड़ाई खुल करके होनी चाहिए थी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने बोला वो यहाँ भी होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं दिखाई थी। तो कुछ लोगों ने जो क्रांतिकारी टाइप के आपके पत्रकार बंधु थे या कर्मचारी थे वो लड़ गए वहाँ जाकर के, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं नज़र आई। तो इसकी वजह से भी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन आज हालात ये है कि लेबर कोर्ट में मैनेजमेंट भाग रहा है क्योंकि उसकी एविडेंस पर ही सारी टिके हुए हैं। एविडेंस मैक्सिमम में आ चुकी है, क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, जिरह होना है। निश्चित रूप से अगर ये लॉकडाउन और कोरोना पीरियड ना होता तो मैं ये कह सकता था कि 1-2 साल पहले ये डिसाइड हो चुके थे, मैक्सिमम में तय हो चुका होता। लेकिन अब चूंकि हम लोग बिल्कुल लास्ट स्टेज में हैं, इसलिए जल्दी होगा, निर्णय जल्दी होंगे, उनका हक और अधिकार दोनों ही मिलेगा। जैसा कि सर अन्य सिटीज़ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इस मामले को लेकर बहुत ही तत्परता दिखाई जा रही है। बात करते हैं अगर हम दिल्ली की, तो दिल्ली में ही कई एम्प्लॉयज़ के साथ में कई अखबारों ने, सर क्या अगर हम अदर न्यूज़पेपर्स या मीडिया हाउसेस की बात करें तो क्या मैक्सिमम लोगों ने तो इस चीज़ को राइट ऑफ कर दिया, सब खत्म कर दिया मामला? ये दुर्भाग्य है हमारा, मजदूर कनस्तर बहुत जल्दी बचता है। आप भी कर्मचारी हैं, मजदूर हैं। आप अगर 1 महीना तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आपका कनस्तर बच जाएगा घर का, आपकी रोटी रोजी पहले दिखाई देगी। इसी तरीके से उनके साथ भी है, 3-3 साल 4-4 साल मुकदमे चलते हैं, तो वो हैरत हो जाता है। अच्छा सर, अगर यहाँ लेबर कोर्ट की बात करें तो इसमें कौन तैनात है? यहाँ मिस्टर के अस्थाना है, कृष्ण कुमार अस्थाना पीठासीन अधिकारी है। उनका क्या कहना है इन मामलों को लेकर? वो थोड़ा सा लिथर्जिक है इसमें कोई शक नहीं है, मैं खुल करके बोल रहा हूँ कि जो उनको टाइटनेस होनी चाहिए, इससे पूर्व के पीठासीन अधिकारी थे जो इस तरीके से उन्होंने डे टू डे हियरिंग की है, जगदीश राय साहब थे डे टू डे हियरिंग की है, शरीफ साहब थे उन्होंने डे टू डे हियरिंग की है, उन्होंने कोई मरम्मत नहीं की। लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम में मिस्टर के अस्थाना है वो लिथर्जिक है, बहुत उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है मैनेजमेंट को अपने टाइम दे करके मैटर को लेंथी करने में, लेकिन फिर भी हम लोग प्रेशर बनाए हुए हैं, मैनेजमेंट की एविडेंस हो रही है, हम लोग क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार से सर क्या कहना चाहेंगे इस विषय को? प्रदेश सरकार इसमें अगर थोड़ा सा वास्तव में कर्मचारी मजदूरों के हितों के लिए है तो कम से कम कुछ नहीं करें तो स्टाफ को पूरा कर दे लेबर कोर्ट के अंदर, पीठासीन अधिकारियों की रेगुलर नियमित भर्ती कर दे तो निश्चित रूप से बहुत से न्याय जो है पाने से वंचित हो रहे हैं वो जल्दी न्याय पा सकेंगे। ये सरकार से मेरी गुजारिश है। सर उन पीड़ित लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो इसके मामले कई सालों से लड़ रहे हैं और उनको अभी तक सफलता नहीं मिली है? सर उनके साथ मेरी संवेदनशीलता है, मैं उनके लिए बहुत ही संवेदन हूँ, लेकिन हम लोग कि मेरे हाथ में जो जितना होता उतना हम लोग क्षमता अनुसार कर पाते हैं, कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें क्षमताओं से बाहर हो जाती है। हम लोगों ने लेबर डिपार्टमेंट, हम लोगों ने सरकार को दोनों जगह लिखा, लिखने के बाद कोई रिस्पांस ना लेबर मिनिस्ट्री का आया ना स्टेट गवर्नमेंट का आया, चीफ मिनिस्ट्री का नहीं आया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नहीं आया, तो बड़ा यहाँ पर हमें भी निराशा होती, लेकिन हम लोग आशा बांधे हुए हैं, उम्मीद बांधे हुए हैं कि एक दिन हमारी जीत होगी और हो के रहेगी।